हिरनपुर थाना अंतर्गत दिनांक 10 तारीख को एक जलती हुई लड़की का लाश बरामद हुआ। उसकी शिनाख्त करने का पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया। 24 घंटे के अंदर न केवल उसकी शिनाख्त कर ली गई बल्कि जो अपराधी जो पूरे घटनाक्रम में जो शामिल थे, जो कि उनके अपने जीजा हैं, मौसेरे जीजा हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। लड़की का जो मोबाइल है, दो मोबाइल जो लड़की प्रयुक्त करती थी, वो दोनों मोबाइल को अपराधी जो उनके जीजा है उसके घर से उसके कन्फेशन के आधार पे उसको बरामद कर लिया गया है। जिस मोटरसाइकिल को यूज़ किया गया था इस अपराध में उसको भी बरामद कर लिया गया है। घटना ये है कि ये लड़की 2016 में अपने जीजा के घर पे रहकर वो मैट्रिकुलेट की थी। उसके बाद दोनों के बीच संबंध स्थापित हुए थे, अवैध संबंध। और ये लड़की कोटाल पकड़ के रहने वाली राधा कुमारी है, जो भगत फैमिली से है। और वो प्रत्येक दिन वो ट्रेन के माध्यम से वो आती थी पाकुड़, जहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस लेती थी। और 10 तारीख को ये लड़की जब कोचिंग से जब निकली तो अपने सहेली को बताया कि वो अपने बहन के घर जा रही है। और उसके बाद उसका जो जीजा है वो मोटरसाइकिल से आया और उस लड़की को पिकअप करके वो यहाँ पर एक ट्रेंडी बाजार है, उसके पीछे एक मंदिर है, वहाँ मंदिर पे ले गया। और उसके बाद दोनों चले गए हिरनपुर थाना क्षेत्र का जो जंगल है जहाँ पे घटनास्थल है। 7:30 बजे के आसपास उस ग्राम के प्रधान के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद उस लड़की के लाश को बरामद किया गया। उसका पोस्टमार्टम करा लिया गया है, डेड बॉडी को उसके परिवार को हैंड ओवर कर दिया गया है। पुलिस प्रोफेशनली इसको बड़ा तरीके से इसको साइंटिफिक माध्यम से इसको अनुसंधान करके 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को उजागर कर चुकी है।